नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर लेके। ये नंबर सिस्टम का जो सेकंड क्लास है, इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि वैसे पॉइंट्स जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, इसमें जो है हम छोटी छोटी बातों को बताएंगे जिसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर पॉइंट्स याद रहेगा, पॉइंट्स समझा हुआ रहेगा, तो स्वाभाविक है कि हमारा क्वेश्चन को बनाने में, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में हमको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पहला पॉइंट जो आपके सामने ये आया कि प्रत्येक सम संख्या इवन नंबर का जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो भी इवन नंबर होता है। प्रत्येक इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो भी आपका इवन नंबर होता है। जैसे कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे 4 एक इवन नंबर है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 16। ये भी क्या है, एक इवन नंबर। कोई भी इवन नंबर, अगर ये 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, ये भी इवन नंबर होगा। अगर इवन नंबर आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये भी क्या होगा, इवन नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, यानी द स्क्वायर ऑफ इवन, स्क्वायर ऑफ एवरी इवन नंबर इज एन इवन नंबर। किसी भी इवन नंबर यानी सम संख्या का स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज सम संख्या होगा। चलिए दूसरा पॉइंट जो आपके सामने है, दूसरा पॉइंट स्क्रीन पे ये क्या है कि प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। कोई भी ऑड नंबर, जैसे ऑड नंबर क्या है 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, ये भी ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर क्या है 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, ये भी ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, ये भी क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ऑड नंबर होता है और इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, इवन नंबर। तो इस बात को समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। दूसरा पॉइंट आपके सामने ये रहा, देखो इसमें क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होंगी। पहला वीडियो में मैंने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, क्यू जीरो ना हो, पी क्यू सिंपलेस्ट फॉर्मेट में हो, और पी क्यू क्या हो, इंटीजर हो। पहला पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, पी क्यू क्या हो, इंटीजर हो, क्यू बराबर जीरो ना हो, और पी क्यू क्या हो, सिंपलेस्ट फॉर्मेट। तो कोई भी रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं, तो रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच अनेकों रेशनल नंबर होंगे। जैसे 2/3 है और मान लिया 3/5 है, इसके बीच क्या गो रेशनल नंबर होगा, तो इसके बीच 2/3 और 3/5 के बीच कितने रेशनल नंबर होंगे। तो दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर का तरीका निकालने का है कि दोनों को जोड़कर किससे भाग दीजिए, 2 से। दोनों को जोड़कर किससे भाग दीजिए, 2 से। कोई भी दो रेशनल नंबर, जैसे इसको फिर से लिख देते 2/3 और 1/2 मान लिया जाए, ये दोनों रेशनल नंबर है, इसके बीच कितने रेशनल नंबर होंगे। तो दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करेंगे बाबू, 2 से। तो एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 6, और यहां हो जाएगा 4+3/2। तो हम लोग कह सकते हैं 7/6 डिवाइड टू 1/2, तो क्या हो गया 7/12। एक रेशनल नंबर निकला कि नहीं निकला, दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर निकला। अब क्या है कि अब इसको उठा लीजिए और इन दोनों में से किसी और को उठा लीजिए, कोई भी एक नंबर, जैसे मान लिया जाए, आप बात करते हैं कि अगर मान लिया 2/3 और 7/12 आया था उसका निकाल लेते हैं, तो इसका भी निकालेंगे तो 12 आएगा और 4 × 2 = 8 और 7, यानी क्या हो जाएगा 15/12, 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 12। तो इसको काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। तो दो नंबर के बीच, कोई भी दो नंबर के बीच अनेकों रेशनल नंबर होंगे, दो रेशनल नंबर के बीच अनेकों रेशनल नंबर होंगे, क्लियर। तो कोई भी दो रेशनल नंबर लेंगे, उन दोनों के बीच में दोनों को जोड़ेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। फिर एक लेंगे, फिर एक और लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो दो रेशनल नंबर के बीच अनेकों रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्लियर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दोनों को ऐड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 से। कोई भी दो रेशनल नंबर लेना है, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। फिर दोनों में से फिर कोई एक जो आएगा उसको, और उस दोनों में से कोई एक और लेके फिर उसको दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। अब कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल दोनों परिमेय, गुणनफल दोनों अपरिमेय होगा, क्लियर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल दोनों अपरिमेय होगा। जैसे मान लिया 2 एक रेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों का अगर ऐड करेंगे या दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये दोनों जो नंबर होगा, ये 2√3
और 2 प्लस रूट 3, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, दोनों को जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा और सम भी इरेशनल होगा। कहने का मतलब दो रेशनल नंबर, एक इरेशनल हो और एक इरेशनल हो, यानी कि एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, तो उन दोनों को जोड़ोगे या उन दोनों को गुना करोगे तो जो नंबर आएगा वो भी रेशनल होगा या इरेशनल होगा। दोनों दोनों जो नंबर आएगा वो दोनों क्या होगा? अपरिमेय, है ना। रेशनल और इरेशनल, देखो दो रेशनल नंबर के बीच अनेकों रेशनल नंबर निकलेंगे, लेकिन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जैसे ही ऐड करो या मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा, यानी अपरिमेय होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो जैसे हम लोग बात करते हैं तीसरा पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय होगा। दो रेशनल नंबर, अगर दोनों रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर है मान लिया जाए 2/3 और 1/2, तो इसको जोड़ के अगर दो से डिवाइड करोगे, इसका अगर जोड़ या जो दो से डिवाइड मत करो, इसको डायरेक्ट जोड़ो, 2/3 और 1/2 को जोड़ेंगे, तो इसको जैसे ही ऐड करेंगे बाबू तो 6 और ये 4 प्लस 3 यानी 7/6, ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो दो रेशनल नंबर का सम ऑलवेज रेशनल नंबर होता है, और इनका प्रोडक्ट भी अगर बात करोगे 2/3 × 1/2 तो ये भी कटेगा, तो ये 1/3, ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर का सम और प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर का सम और प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है? रेशनल नंबर। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए, दो पूर्णांकों का योगफल और गुणनफल सदैव क्या होगा? पूर्णांक। दो पूर्णांक, कोई भी दो पूर्णांक, कोई भी दो पूर्णांक, कोई भी दो इंटीजर, मान लीजिए 2 और 3 बात करते हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 5, ये भी एक इंटीजर है, और 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा? 6, ये भी इंटीजर है। बात समझो, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट ऑलवेज इंटीजर होगा, और दो इंटीजर का सम जो होगा वो भी ऑलवेज क्या होगा? इंटीजर। यानी कि दो पूर्णांकों का योगफल और गुणनफल हमेशा क्या होता है? पूर्णांक। इस बात को, छोटा छोटा बात है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, देखो जैसे इसकी बात करते, क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का गुणनफल और भागफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी, कोई भी दो नंबर हो। तो दो नंबर का अगर बात किया जाए, दो नंबर की बात की जाए, कोई भी दो नंबर, तो इसका भागफल जो होगा और गुणनफल जो होगा वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। दो संख्याएं होंगी तो उनका भागफल जो होगा वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी दो नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट, कोई भी दो नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी, मतलब यहां देखो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। प्रोडक्ट की बात करें या डिवाइड की बात करें, उनको डिवाइड करिए चाहे गुना कीजिए, तो वो दो नंबर को गुना करोगे चाहे डिवाइड करोगे तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या कह रहा है, ये बहुत रटने वाली बात है। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है, अभाज्य संख्या कौन है? तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। लोगों से पूछोगे तो 90% लोग यही बोलेंगे कि फर्स्ट प्राइम नंबर 1 है। नहीं सर, प्राइम नंबर के डिफिनेशन ही हम आपको बताए थे पहले लेक्चर में कि एक से बड़ी वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, यानी एक शामिल नहीं है, यानी वैसी संख्या है जिसके दो फैक्टर, वैसी संख्या है जिसके कितने फैक्टर हो? 2, उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो आप बात करते हैं कि पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 है। पहला प्राइम नंबर क्या है? 2, क्योंकि 2 जो है 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, यानी वैसी संख्या जिसके कितने फैक्टर हो? 2, उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है? 2। सबसे प्राइम नंबर जो इवन नंबर है, सबसे प्राइम नंबर जो इवन नंबर है कौन है? पहला प्राइम नंबर। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यानी फर्स्ट प्राइम नंबर जो इवन नंबर है कौन है? 2। फर्स्ट प्राइम नंबर जो ऑड नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर जो ऑड नंबर है वो कौन है? 3। तो देखो बात समझिए, प्राइम नंबर किसे कहते? जो 2 से कटे, जो खुद से कटे या 1 से कटे, खुद से कटे या 1 से कटे, लेकिन 1 से बड़ा, 1 से बड़ी वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, यानी वैसी संख्या जिसके कितने फैक्टर हो? 2। तो अगर बात की जाए फर्स्ट प्राइम नंबर, तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है? 2। फर्स्ट प्राइम नंबर जो इवन नंबर है जो कौन है? 2 ही है। फर्स्ट प्राइम नंबर जो ऑड नंबर है वो कौन है? 3 है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो फैक्टर, तो 3, 2 जो है 2 से कटेगा या 1 से कटेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नंबर ऑफ प्राइम नंबर फाइंड करना होता है कि कितने नंबर प्राइम नंबर होंगे उसके बीच। तो जैसे 1 से 25 तक में क्या गो अभाज्य संख्या है, क्या गो प्राइम नंबर है, 1 से 25 तक में, 1 से 50 तक में, 1 से 75 तक में, 1 से 100 तक में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1 से 25 तक में 9 गो प्राइम नंबर है, जैसे कौन कौन है बताओ, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 25 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काउंट करना होगा कितने प्राइम नंबर होंगे। तो तीन तो यही दिख रहे हैं, तीन यहां दिख रहे हैं और तीन यहां दिख रहे हैं, दिख रहा है। तो देखो, तो बात करोगे तो पहला 25 गो में तो क्या गो प्राइम नंबर हो गया, 9 गो। तो ये रटना पड़ेगा सर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि 1 से 25 तक एग्जाम में निकालोगे ऐसे तो ये निकालना पॉसिबल नहीं है, वो भुला जाओगे। तो निकालना नहीं, आपको रटना है कि 1 से 25 तक में क्या गो प्राइम नंबर है, 9। 1 से 25 तक में कितने प्राइम नंबर है, 9। 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर है, 15। 9 6 15, अगला 15 6 21 होगा, 15 6 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, देख लेते। 1 से 9 तक में क्या, 1 से 25 तक में क्या हुआ है, 9। 1 से 50 तक में 15, बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि अगर 25 से 50 की बात की जाए तो 6 को होगा, 1 से 25 तक में 9 गो और 1 से 50 तक में 15 गो। तो 25 के बाद बात की जाए 25 से 50 तक में तो दोनों को लेस कर दो, क्या होगा, 6 गो। तो इसको रटना है सर, 1 से 15 तक में क्या गो प्राइम नंबर, 1 से 25 तक में क्या गो है, 9 गो, 1 से 50 तक में 15 गो, लेकिन 25 से 50 बोले तो दोनों को लेस कर लीजिए, 6 गो, क्लियर। चलिए उसी तरह से अगर बात की जाए 1 से लेकर 75 तक में क्या गो है और 1 से लेकर 100 तक में है क्या गो, तो आप बता सकते हैं। तो 1 से इसमें कितना है, 1 से 75 तक में 21 को, और 1 से लेकर 100 तक में कितना है, 25। तो आपको हम बता रहे हैं 9 6 9 15 21 और 25, ये प्राइम नंबर है। तो 1 से लेकर अगर 25 तक बात की जाए तो क्या हो गया, 9। 1 से लेकर अगर 50 तक बात की जाए तो क्या हो गया, 15। 1 से लेकर 75 तक की बात की जाए तो 21 और 1 से लेकर 100 तक की बात की जाए तो 25। तो बात करो अगर 25 से 50 के बीच में बात की जाए तो दोनों को लेस कर लो, 6। नहीं, अगर 50 से 75 के बीच में बात की जाए तो इन दोनों को लेस कर लो, 6। अगर तो ये आप ये चार पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 से 100 तक में क्या गो प्राइम नंबर है, 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 9 के बाद कितना आएगा, 15, 1 से लेकर 75 तक 21, 1 से लेकर 100 तक 25। तो ये रटना है सर, प्राइम नंबर कितने हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या क्या है। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखो 9999, तो 9999 से जो पहले जो है वो पूर्ण घन संख्या वो कौन है, 9261। सब रटने वाला पॉइंट है, 9261 यही जो है पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब कंप्लीट क्यूब, 961 जो है किसका क्यूब रूट, ये क्यूब रूट देख लो, ये जो बाहर निकलेगा तो ये जो वैल्यू निकलेगा परफेक्ट निकलेगा, ये जो वैल्यू निकलेगा परफेक्ट निकलेगा, ठीक है। जैसे बात समझिए, ये जो क्वेश्चन जो हम बताएं कि परफेक्ट क्यूब रूट चार अंकों की सबसे पूर्ण घन संख्या, यानी परफेक्ट क्यूब रूट यानी अंदर से ये जो बाहर निकलेगा, देखो इस 9999 सबसे बड़ी संख्या होती है, लेकिन रूट से बाहर निकल जाए, क्यूब रूट से बाहर निकल जाए तो यही एक नंबर है चार अंकों का सबसे बड़ा जो कि परिपूर्ण घन है, ये रट लोगे तो सबसे बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो जब दिया गया भिन्न एक से कम और प्रत्येक भिन्न के अंश और हर का अंतर क्या हो समान, तो सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा है और वही भिन्न सबसे छोटा होगा जिसका अंश छोटा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 4/5, कुछ ही पूछ सकता है, 6/7 पूछ सकता है।
तो इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। तो यहां देखो डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस जब सेम हो तो सबसे बड़ा कौन होगा बताओ, डिफरेंस सेम है तो जो बड़ा होगा वो बड़ा और जो छोटा होगा वो छोटा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा बताओ, 2/3। बात समझ में आए? अगर डिफरेंस सेम हो, कोई भी डिफरेंस हो, कोई जरूरी नहीं कि वन का डिफरेंस हो, डिफरेंस कोई भी हो, जैसे आपसे कह दिया जाए 3/5, 5/7, 9/11, 7/9, पूछ दे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन। तो यहां भी सेम बात है, यहां डिफरेंस दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो जाए तो जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। तो लार्जेस्ट कौन हो जाएगा बताओ, लार्जेस्ट कौन हो जाएगा 9/11, और स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा बताओ 3/5। आ रहा है बात समझ में, कि अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकाला जाए तो हम लोग आराम से पता कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो बात समझ में आ गई पहले वाला, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो तो जो बड़ा है वो बड़ा और जो छोटा है वो छोटा, अंश और हर का अंतर समान हो। यदि भाजक का पावर भाज्य के आधार से एक कम हो तो पावर के सम होने पर शेषफल एक प्राप्त होगा, और पावर के विषम होने पर भाज्य का आधार ही शेषफल होगा। इस बात को समझने के लिए बिना एग्जाम्पल के हम नहीं समझा पाएंगे, तो इस बात को समझना होगा। सबसे पहले एक कम हो, जैसे 17 का पावर 200 में किससे भाग देना है, मान लिया 18 से। 17 का पावर 200 में किससे भाग देना है, 18 से। तो यहां क्या होगा, यहां जो आंसर होगा, अगर रिमाइंडर फाइंड करना हो इसमें, अगर इसमें रिमाइंडर फाइंड करना हो, रिमाइंडर यानी क्या, शेषफल। अगर शेषफल की बात करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करना हो तो यहां क्या होगा, डायरेक्ट याद रखोगे कि इसका आंसर क्या होगा, 1। कब, जब इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो, एक का, और पावर इवन हो। डिफरेंस कितने का हो, एक का, और पावर क्या हो, इवन। यानी ऊपर देखो, ऊपर वाला भाजक का, भाजक से भाज्य का आधार एक कम हो, भाजक कौन है 18, भाज्य कौन है 17, भाजक कौन है 18, भाज्य कौन है 17। तो भाज्य जो है एक कम है, एक कम है, अगर पावर इवन रहेगा तो शेषफल हमेशा एक होगा। लेकिन यही अगर पावर ऑड हो जाए, देखो भाजक ये है 17 और भाजक कौन है 18 और भाज्य कौन है 17, यानी डिवाइड करने वाला कौन है 18, भाजक डिवाइजर, और डिविडेंड कौन है 17। तो यहां पे क्या होगा, अगर पावर ऑड होगा तो जो ये होगा यही आंसर हो जाएगा, यानी 17। यानी रिमाइंडर की बात की जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, 17। बात समझ में आए? अगर भाजक बड़ा हो, भाज्य छोटा हो, पावर बेस देख लो, अगर ऊपर वाला छोटा हो और जिससे भाग देना है वो बड़ा हो, तो एक से कम है, तो वहां पे क्या है कि 17 जो है, अगर पावर इवन होगा तो आंसर क्या होगा, 1। अगर पावर ऑड होगा, अगर पावर ऑड होगा तो आंसर जो जिसमें भाग दोगे वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए? चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, भाजक का आधार भाज्य से एक बड़ा हो तो सम या विषम कुछ भी होने पर ऑलवेज वन होगा। जैसे देखो 17 का पावर, जैसे ऊपर वाला बड़ा हो जाए, ऊपर वाला बड़ा हो जाए मतलब 18 का पावर 200 में किससे भाग देना है, 17 से, या 18 का पावर 203 में किससे भाग देना है, 17 से। तो इस परिस्थिति में हमेशा देखो, अगर ऊपर वाला बड़ा हो गया और नीचे वाला क्या है, छोटा, डिविडेंड बड़ा और डिवाइजर छोटा, डिविडेंड बड़ा डिवाइजर छोटा, इस परिस्थिति में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि हमेशा अगर पावर इवन रहे चाहे ऑड रहे, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, 1। यानी शेषफल की बात करें, रिमाइंडर की बात करें तो वो ऑलवेज क्या होगा, 1। अगर पावर इवन रहे चाहे ऑड रहे, बस ऊपर वाला क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर ऊपर वाला बड़ा है यानी डिविडेंड बड़ा है और डिवाइजर छोटा है, डिवाइजर छोटा है, तो पावर इवन रहे चाहे ऑड रहे, ऑलवेज आंसर क्या होगा, 1। देखो वही लिखा हुआ होगा नहीं, चलिए सेम पॉइंट है, केवल आपको समझने की जरूरत है, पॉइंट्स क्लियर करेंगे, धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा, जब किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचे तो वह संख्या उन संख्याओं के अंतर को पूर्णतः विभाजित करता है।
इस बात को समझिएगा, जब किसी संख्या में भाग देने से, जब किसी संख्या में भाग देने से शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचे, तो वह उन संख्याओं को, उन दोनों संख्याओं के अंतर को पूर्णतः विभाजित, अंतर को पूर्णतः विभाजित करेगा। जैसे किसी संख्या से 203, 242, 268 यहां पे हम लिख देते हैं। देखो किसी संख्या में किससे भाग दे, किसी संख्या से किस में भाग देना है, 203, 242 और 268 मान लीजिए। क्वेश्चन है ये, भाग देने पर प्रत्येक स्थता में, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, समान शेष, प्रत्येक दशा में मान लिया जाए समान शेष बचे, समान शेष यानी क्या बचे, y। देखिए किसी संख्या में 203 से भाग देने पर y बचा, किसी संख्या से 242 में भाग देने पर y बचा, किसी संख्या से 262 में भाग देने पर y बचा, 268 लिख देते हैं, 268। देखो अगर शेष समान बचे, अगर शेष क्या बचे, समान, तो यह संख्या किससे कटेगी, तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 203, 242, 268 को आपस में घटाएंगे, इसको आपस में घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, लगभग आ जाएगा 39। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, ये 8 में से 2 गया आपका आ जाएगा 6, और 6 में से 4 गया 2, और इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा 65। ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, इनका एचसीएफ क्या होगा 13, इनका एचसीएफ क्या होगा 13, सब 13 से कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा 13। बात समझिए, तो जब किसी संख्या में भाग, किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचे, तो अगर आपस में जब इसको घटा लेते हैं तो इस घटाने पर जो नंबर आएगा और जो कॉमन नंबर है उससे वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी सब आप किससे कटेगा 13 से। तो अगर डिफरेंस सेम बचे, डिफरेंस क्या बचे, सेम, डिफरेंस सेम बचे तो इसको आपस में घटा के भी डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करेंगे धीरे धीरे। चलिए अगला पॉइंट जो है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ये सब रटने वाला पॉइंट है। चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या तो बचपन से जानते हैं कौन होगा, 1000। अगर पूर्ण वर्ग की बात की जाए, पूर्ण वर्ग की बात की जाए तो कौन हो जाएगा, 1024। 1024 जो है इसका खासियत यही है कि ये 1024 को रूट से बाहर आराम से निकाल सकते हो, 32 का 1024। बात समझ में आए, तो चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी, 1024। इसी तरह से अगर इसका बेसिक बनाओगे तो बेसिक बनाने का तरीका तो है, इसका परफेक्ट निकाल के दो दो का पेयर बना के हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक बता ही देते हैं तुमको, देखो 1000 है, क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो 3 3 9 कितना आ गया, 1 2 0 उतारेंगे, ये वाला 3 यहां जुड़ता है, तो 3 3 6 62 लेंगे, 62 कितना हो जाएगा, 124। यहां पर कितने कमी क्या आ रही है, 24 की, अगर 24 घटा लेंगे तो परिपूर्ण वर्ग होगा, 24 घटा लेंगे तो परिपूर्ण वर्ग होगा, लेकिन क्या है वो 1000 से कम हो जाएगा, 3 अंक की हो जाएगी, हमको 4 अंक का बोल रहा है, तो इसमें कमी आ रही है 24 की, तो 24 से इसमें और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 1024 ये परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। सबसे पहले 3 से काटे, इस तरह से करके परिपूर्ण वर्ग निकालिए, कमी कितने की आ रही 24 की, अगर 24 जोड़ देंगे तो 1024 क्या हो जाएगा, परिपूर्ण वर्ग। सबसे पहले क्या किया, दो दो का पेयर बनाए, 3 3 9 एक बचा, 2 0 उतारे, फिर ये वाला 3 यहां उतार दिए, 6, अगर 1 लेंगे तो 61 है कम, 2 लेंगे तो 62 124, निगेटिव में कितना आ रहा है 24, अगर 24 और जोड़ देंगे तो परिपूर्ण वर्ग होगा, लेकिन एग्जाम में इतना निकालना नहीं है, इसको रट लीजिए। चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, 9 9 8 5 6, और 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये, तो ये सब रटना है, ये सब क्या कर लेना, रट लेना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रेलवे के एग्जाम में ये सब ज्यादा आता है, अब इसको निकालने के चक्कर में लगोगे तो टाइम किल होगा, तो ये सब रट लेना है, ये तीनों वैल्यू क्या कर लेना है, रट लेना। चलिए नेक्स्ट, ये सब पॉइंट टू रिमेंबर पहले ही लिख दिए थे कि जितना पॉइंट से सारा रिमेंबर करने वाला, सब याद करने वाला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ही रहा।
क्या कह रहा है, किसी भी पूर्णांक वर्ग संख्या का इकाई अंक पूर्णांक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। कोई भी देख लो, जैसे देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ये आपका क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा था, इस बार जो एक बीपीएससी का एग्जाम हुआ था इसमें भी ये पूछा था कि 1, 4, 9, 6 और 5, 1, 4, 9, 6 और 5 और एक जीरो भी शामिल कर लो। अगर ये यूनिट प्लेस पे रह सकता है, ये क्या होगा, इकाई अंक पे होगा, इकाई अंक पे अगर होगा तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। अगर ये सारे डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे होंगे तो पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन ये सारे डिजिट अगर होंगे 2, 3, 7, 8 अगर इकाई अंक पे होगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बात समझ में आई कि यूनिट प्लेस पर अगर ये सारे डिजिट होंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, बट ये सारे डिजिट होंगे 2, 3, 7, 8 तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अक्सर एग्जाम में आता है कि यूनिट प्लेस पर क्या नहीं हो सकता या यूनिट प्लेस पर क्या हो सकता है, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसको देखो, ये सब रटने वाला पॉइंट है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कि आप बात समझ में आ रहा है कि यूनिट प्लेस पे यही हो सकता है 1, 4, 9, 6, 5, लेकिन इसके अलावा कोई भी डिजिट होगा 2, 3, 7, 8 तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए अगला पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करें, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ध्यान देना। देखो क्या कह रहा है, सम अंकों वाली किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने पर परिणाम हमेशा 2 अंक आएगा। जैसे 1024 का जो वर्गमूल निकाले कितने अंक है बताओ, 1, 2, 3, 4, यानी 4 अंक है। 4 अंक इवन है कि ऑड है बताओ, 4 अंक इवन है कि ऑड है, 4 अंक यानी कि इवन हो गया, इवन यानी कि सम हो गया। अगर सम संख्या है तो इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो कितने अंक की, ये 2 अंक की संख्या आएगी, 2 अंक की संख्या। बात समझ में आए कि जित देखो, सम अंकों वाली किसी पूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालने पर प्राप्त में अंकों की संख्या कितना होगा, वो कितने अंक की होगी, 2 अंक की। तो ये निकालना पड़ा हमको, कोई भी 4 डिजिट का होगा उसका पर वर्गमूल निकालना है तो कितने अंक का हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 2। 4 अंकों की सम अंक कोई भी, जैसे मान लिया जाए 4 तो इवन था, अब मान लिया 6 अंक रहे तो इसमें क्या गो होगा बताओ, 3 गो। कोई भी इवन नंबर अगर 6 अंकों की संख्या है तो उसमें उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 गो। अगर 8 अंक की संख्या है, अगर 8 अंक की संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 गो। तो ध्यान दीजिए, अगर इवन नंबर रहेगा, कोई भी इवन नंबर रहेगा और उसका वर्गमूल निकालोगे तो ऑलवेज जो नंबर होगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, तो उसको किससे भाग दो देगा, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करोगे और उसमें किससे भाग दोगे, 2 से। अब इसको हम आपको समझा देते हैं, एक बात समझिए, जैसे 4 अंक की संख्या है, 4 इवन है तो यहां पर कितने अंक का वर्ग, ये अगर वर्ग में है 4 अंक तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 2 अंक। अगर 6 अंक है वर्ग में तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 3 अंक, 2 से भाग दे रहे हैं। अगर 8 अंक है तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 4 अंक। बात समझ में आ रहा है, अगर 2 अंक है तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 1 अंक। अगर 12 अंक है, 12 अंकों की संख्या है तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 6 अंक। अगर 10 अंक है तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 5 अंक। क्या किए हम, डायरेक्ट 2 से क्या कर दिए, भाग दिए। तो कितने डिजिट का नंबर है देख लो, अगर 6 डिजिट का नंबर है तो वर्गमूल में क्या डिजिट आएगा, 3 गो। अगर 8 डिजिट का नंबर है तो वर्गमूल में क्या अंक आएगा, 4 गो। डायरेक्ट 2 से भाग देते चले। चलिए तो अगला है, अगला पॉइंट भी इसी पैटर्न पे होगा। अगर ऑड डिजिट में रहे, ऑड में रहे, मान लिया जाए 5 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या वर्ग में, अगर 5 अंक की संख्या है तो वर्गमूल में कितने अंक की संख्या होगी, वर्गमूल में कितना होगा, 5 + 1/2 यानी 3 अंक की संख्या होगी। बात समझ में आया। अगर 7 अंक की संख्या है, 7 अंक की संख्या
तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? वर्ग में अगर 7 अंक की संख्या है तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे बताओ? वर्गमूल में 7 + 1/2 यानी कितने अंक होंगे? 4 अंक। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जितने अंक है अगर इवन है, देखना भाई 5 और 7 क्या है? ऑड है। अगर इवन रहता तो डायरेक्ट 2 से भाग देते, लेकिन अगर ऑड है तो उसको एक बढ़ा के, जितने अंक है उसको एक बढ़ा के किससे भाग देंगे? 2 से। अगर इवन नंबर है डायरेक्ट 2 से भाग दे दो, काउंट कर लो नंबर कितने इवन है, तो वर्गमूल में क्या हो जाएगा? 6 है तो 2 से भाग दिया, 3 हो गया। लेकिन यही ऑड रहेगा, मान लिया कि 9 रहे तो 9 में 1 जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे, 9 × 10/2 यानी कितना? 5। चलिए, वर्गमूल में अंकों की संख्या इतने डिजिट का वर्ग नंबर है और क्या वर्ग आएगा, ये सब रेलवे का पेटेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसी संख्या से गुणा किया जाता है, यदि पूर्ण वर्ग संख्या दी गई हो तो ज्ञात करने के लिए उसी संख्या से भाग देते हैं। जैसे कोई नंबर दिया, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? ए से। तो ये ए स्क्वायर क्या हो गया? ये ए स्क्वायर कहलाएगा पूर्ण वर्ग। बात समझ में आया? कोई भी नंबर दिया हो तो उसका पूर्ण वर्ग क्या होगा? ये अगर मान लिया संख्या है, अगर ये संख्या है तो पूर्ण वर्ग की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और वही चीज है कि अगर पूर्ण वर्ग दिया रहे, पूर्ण वर्ग मान लिया जाए एक्स स्क्वायर रहे, तो संख्या निकालना हो तो एक्स स्क्वायर में उसी से भाग देते हैं यानी क्या होगा? एक्स। तो अगर वर्ग निकालना हो तो सेम संख्या से गुना करेंगे, और अगर संख्या निकालना हो और पूर्ण वर्ग दिया हो तो उसी संख्या से क्या देंगे? भाग। तो अगर स्क्वायर करना हो किसी नंबर को स्क्वायर करना हो तो उसी से गुना करना हो, और किसी नंबर को निकालना हो और पूर्ण वर्ग दिया हो तो उसी नंबर से क्या करेंगे? भाग देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो सेम तरह की बात है, किसी संख्या में से न्यूनतम क्या घटाया जाए कि प्राप्त वर्ग परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह के प्रश्नों को संख्या में, दी गई संख्या में वर्गमूल निकालने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे ही क्या किया जाता है? घटाया जाता है। जैसे अभी जस्ट बताए थे, किसी संख्या में न्यूनतम क्या घटाया जाए कि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए, जैसे 9999 मान लिया जाए, इसमें से क्या घटाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो क्या घटाएंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो यहां जो इसको भाग देंगे इस हिसाब से, देखो 8 8 64, 9 9 81 10 10 100, तो 9 9 क्या होगा? 81। अब कितना आएगा? 8 और ये 1। अब क्या उतारेंगे? 99। ये 9 कहां आएगा? यहां 9 9 18। अब यहां क्या रखे किससे कट जाए? अब मान लिया जाए यहां 9 रखते हैं तो 189 कितना हो जाएगा? 9 9 81 9 8 72 9 9 9 9 81 9 8 80 9 1 9 8 17। ये तो नहीं होगा, देखो क्या करेंगे, 189 देखते हैं, 9 9 81 9 8 72 72 और 8 80 9 1 9 9 8 9 8 17। तो यहां देखो कितना आ जाएगा? 1701, 8 9 1। अब इसमें से 198 हटा लो तो क्या आएगा? 1 0 8 9। ये क्या हो गया? पूर्ण वर्ग। बात समझ में? तो यहां पे इस तरह के क्वेश्चन में हम बता रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछा जाए तो यहां जो शेष बचता है ना, इसी को या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। तो यहां उसी को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। किसी संख्या में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये पैटर्न निकालने के बाद यहां पर जो शेष बचता है, इसी शेष को मान लिया कि बड़ी संख्या है तो उसको उतना और घटा लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा, या छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या तो उतना और जोड़ दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर छोटी से छोटी संख्या है तो ऐड करना पड़ेगा रिमाइंडर को, अगर बड़ी से बड़ी, ज्यादा बढ़ के फिर रिमाइंडर ऐड करना होगा, अगर बड़ी से बड़ी संख्या है तो ये जो रिमाइंडर है उसको क्या करना होगा? लेस करना होगा। तो कभी भी बड़ी संख्या में न्यूनतम क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए, इस तरह के प्रश्नों में दी गई संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए यही पैटर्न हम लोग अप्लाई करते। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो किसी प्रश्न में दो या दो से अधिक भागफल या शेषफल दिया रहे, भाजक या शेषफल दिया रहे, तो वैसे प्रश्नों को भाजक और शेषफल का अंतर समान प्राप्त होता है। अगर अंतर समान हो तो सभी भाजक का एलसीएम समान प्राप्त करके समान अंतर घटा लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, किसी संख्या में 6, 12, 15 क्वेश्चन समझिए, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए, 15 से भाग दिया जाए, 24 से भाग दिया जाए, 40 से भाग दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया, 15 से भाग दिया, 24 से भाग दिया, 40 से भाग दिया, तो शेष 4, 10, 13, 22 और 38 बचता है। क्वेश्चन समझिए, किसी संख्या में 6, 12, 15, 24 और 40 से भाग दिया जाए तो शेष क्या क्या बचता है, 4, 10, 13, 22 और 38। तो यहां डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहां डिफरेंस देखिए कितने का है, 2 का। यहां डिफरेंस देखिए 2 का, डिफरेंस 2 का और डिफरेंस 2 का। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर डिफरेंस सेम हो, शेषफल का अंतर समान प्राप्त किया जाता है। अगर डिफरेंस सेम हो भाजक और शेषफल, यानी भाजक कौन हो गया 6 और शेषफल कौन हो गया 4, इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। अगर डिफरेंस सेम हो तो क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए 6, 12, 15, 24 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद माइनस सेम डिफरेंस करेंगे, सेम डिफरेंस। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 120 और सेम डिफरेंस कितने का है, 2 का, यानी आंसर क्या चला जाएगा, 118। बात समझ में आई, चलिए बात समझिए। किसी संख्या में 6 से भाग देने पर 4 बचता है, 12 से भाग देने पर 10 बचता है, 15 से भाग देने पर 13 बचता है, 24 से भाग देने पर 40 बचता है, 24 से भाग देने पर 22 बचता है, 40 से भाग देने पर 38 शेष बचता है। तो अगर डिफरेंस सेम हो, 6 में से 4 गया, 2, 2, 2, तो क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन में एलसीएम निकालने के बाद, एलसीएम निकालने के बाद सेम डिफरेंस को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद सेम डिफरेंस को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 12, 15, 24 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे और माइनस सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस। तो 120 माइनस 2 आंसर क्या हो जाएगा, 118। बात समझ में आई, चल क्वेश्चन तो समझ ही गए थे कि 6 से भाग देने पर कितना बच रहा था, 4, 12 से भाग देने पर कितना बच रहा था, 10, 15 से भाग देने पर कितना बच रहा था, 13, 24 से भाग देने पर कितना बच रहा था, 22 और 40 से भाग देने पर कितना बच रहा था, 38, यही ना था। तो यहां डिफरेंस क्या था, सब में डिफरेंस क्या था, सेम था, सब में डिफरेंस क्या था, सेम था। तो एलसीएम निकाल के जो सेम डिफरेंस था, एलसीएम 120 आया, उसके बाद सेम डिफरेंस को हम लोग क्या कर लिया, माइनस कर लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्या है, किसी भी संख्या के भाज्य या अभाज्य होने के लिए उस संख्या से ठीक बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग लिया जाता है और जिसका वर्ग होता है उससे छोटी वाली संख्या, सभी संख्या, सभी अभाज्य संख्या को उसमें से घटा दिया जाता है, भाग दिया जाता है। यदि किसी भी एक संख्या से वह विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे बात करते हैं, हम लोग कोई अभाज्य संख्या ले ले, कोई भी अभाज्य संख्या मान लिया जाए, हम लोग ले लेते हैं 23 ले लेते हैं, तो 23 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, 25 पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 25। 23 अभाज्य है या नहीं, अभाज्य, देखो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, 23 अभाज्य है या नहीं, यही क्वेश्चन है मालिक, 23 अभाज्य है या नहीं, कैसे इसको बनाएंगे। तो देख भाई, 23 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी, 25 पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर कौन होगा, 25। 25 के बारे में बात करते हैं कि 25 ले लिया जाता है,
जिसका वर्ग होता है उस संख्या को लिया जाता है। ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, संख्या किसका वर्ग है, पांच। ठीक है, पांच में क्या किया जाता है, उस संख्या में इससे सभी अभाज्य संख्या, इससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से भाग देता है। इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, दो और तीन। तो क्या सर ये दो से कटेगा, नहीं। क्या ये तीस, देखो सबसे पहले 23 अभाज्य है या नहीं, तो 23 से बड़ी वाली पूर्ण वर्ग संख्या लिखे 25। 25 में क्या किया, 25 किसका वर्ग है, पांच का। अब क्या करेंगे, पांच से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन है, दो और तीन। क्या ये दो से कटेगा, नहीं। क्या ये तीन से कटेगा, नहीं। तो ये क्या होगा, 23 अभाज्य है, 23 प्राइम नंबर है। ठीक है, बात समझ में आया। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, कोई और देख लेते, जैसे मान लिया जाए कि 45 45 प्राइम है या नहीं, प्राइम है या नहीं। तो 45 से पहले पूर्ण, 45 के बाद वाला पूर्ण वर्ग कौन होगा, 25 25 6 6 36 37 49। तो पूर्ण वर्ग कौन हो जाएगा, 49। 49 के बारे में चेक करो, 49 के बारे में अगर चेक करेंगे तो 49 का संख्या क्या हो जाएगा, 7। तो 7 से छोटी, 7 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन है, उस संख्या में भाग दिया जाता है। यदि किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ठीक है, 7 से छोटी संख्या कौन कौन है, उससे छोटी वाली सभी अभाज्य संख्याओं से उसमें भाग दिया जाता है। यदि किसी एक संख्या से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे 7 से छोटा कौन कौन है, 5 है, 3 है, 2 है, ये बड़ी संख्या के लगे लागू है। तो इसको चेक करके हम लोग चेक करेंगे कि ये इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इस तरह से करके अगर नहीं कट, अभाज्य संख्या कब नहीं होगी, अगर ये विभाजित हो जाए। ठीक है, और विभाजित हो जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा तो अभाज्य संख्या होगा। क्लियर, तो ये सब तरीका है बनाने का और हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। ये छोटी संख्या है और ये सब किसके लिए लागू होती, बड़ी बड़ी संख्या के लिए। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग चर्चा जो करेंगे वो फॉर्मूला की। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। जैसे मान लिया जाए 4 से अगर हम लोग 22 में भाग देते हैं तो 4 5 20 कितना बचा, 2। तो ये क्या कहलाता है, भाज्य। ये क्या कहलाता है, भाजक। ये क्या कहलाता है, भागफल। और ये क्या कहलाता है, शेष। यही ना होता है। तो 22 में जैसे ही हम 4 से भाग देते हैं तो 5 पूर्णांक 2/4। यही ना होता है। पूर्णांक तोड़ने का तरीका क्या है, 5 × 4 + 2/4। अब बताओ ये 4 से 4 तो कट गया, तो अब 22 बराबर क्या हो गया, 22 बराबर हो गया 5 × 4 + 2। यही ना हो गया। तो 22 क्या है आपका, भाज्य। 5 क्या है, 5 क्या है आपका, भागफल। 4 क्या है, भाजक। और 2 क्या है, शेष। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। 4 से 22 में भाग दिया, 4 5 20 2 बचा, इसको पूर्णांक, 5 पूर्णांक 2/4। तो 5 × 20 + 2/4, 4 4 खत्म, यानी 22 क्या है आपका, भाज्य, भागफल, भाजक, शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है सर। तो ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, इसको भी रट लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट रटने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने फॉर्मूला है। तो हम लोग एपी सीरीज जीपी सीरीज के बारे में सुने होंगे। जैसे देखिए 2 4 6 8 10, ये कौन सा सीरीज हो गया, ये एपी सीरीज हो गया। 1 3 5 7 9 एपी सीरीज हो गया। 3 6 9 12 15 एपी सीरीज हो गया। 1 2 3 4 एपी सीरीज हो गया। बात समझ में आया कि अगर डिफरेंस सेम रहे, a a + d a + 2d डिफरेंस सेम रहे तो कौन सा सीरीज है, एपी सीरीज। तो एपी सीरीज का हम लोग को फॉर्मूला है, a फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, लास्ट टर्म है, tn बराबर फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का, a + n - 1 × d लास्ट टर्म, लास्ट टर्म और समेशन का फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म
एपी सीरीज लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का ये फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से समेशन का फॉर्मूला होगा, ये सब फॉर्मूला ऐसा जिसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। देखो फॉर्मूला आपके सामने आ गया, वही चीज है, ये एपी सीरीज का ही समेशन का फॉर्मूला है, ये सम ऑफ टर्म नंबर ऑफ टर्म एन बाई टू टू ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये एपी सीरीज का नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। ठीक है, और सम निकालना है, सम निकालना है, और नंबर ऑफ टर्म का तो बता ही दिए थे, एन बाई टू सम ऑफ टर्म एन बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट, और टी एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सब फॉर्मूला है सर एपी सीरीज, जिसको हमको याद करना होगा, अर्थमेटिक सीरीज। चलिए, जैसे इसमें क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है हम बताते हैं। जैसे दो चार छ आठ दस, इसका सम पूछ रहा है, तो सम तो हम लोग जानते ना है, सम के देखो एन बाई टू कै गो टर्म है, पांच बाई टू, फर्स्ट टर्म कौन है दो, और लास्ट टर्म कौन है दस। बस फॉर्मूला निकाल दो, पांच बटा टू, और यहां पर क्या हो जाएगा, दो प्लस दस यानी क्या हो जाएगा, बारह। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, पांच बटा दो गुना बारह, बारह कितने बार में कटेगा, छह बार में, तो छह पचे तीस, जोड़ के देख लो तीस आ रहा है कि नहीं, दस दो बारह, आठ चार बारह, बारह बारह चौबीस, और छह तीस। तो ये समेशन का फॉर्मूला है, सम ऑफ टर्म, जितने भी एपी सीरीज होंगे कैसे निकालेंगे, सम, सम कोई भी हो, जैसे मान लिया जाए तीन छ नौ बारह पंद्रह, इसका सम कैसे निकालेंगे बताओ, वही चीज है, कै गो टर्म है, पांच बटा टू, फर्स्ट टर्म कौन है तीन, और लास्ट टर्म कौन है पंद्रह, जोड़ के देख लो, पांच बटा दो गुना अठारह, दो से काटेंगे नौ बार में, नौ पच्चीस पैंतालीस, जोड़ के देख लीजिए, बारह बारह पंद्रह कितना होगा, सत्ताईस और तीन तीस, नौ छः पंद्रह पैंतालीस, बात समझ में आया। तो ये सब समेशन का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला एपी सीरीज हम लोग समझ गए, अब ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला है। यहाँ कॉमन रेशियो सेम होता है, यहाँ कॉमन रेशियो क्या होता है, सेम, तो आर क्या है, कॉमन रेशियो है, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो है, कॉमन क्या है, रेशियो, रेशियो कहिए चाहे डिफरेंस कहिए, बात वही है, इसको क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो, सार्वांतर। तो यहाँ रेशियो इसको कहेंगे, कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, समेशन का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला है, तो ये टर्म निकालना है, ये समेशन निकालना है, कौन सा सीरीज, जीपी सीरीज, जहां रेशियो क्या होता है, सेम होता है, इसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, सब जगह क्या होगा, सेम। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये बचपन से फॉर्मूला पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूला जो है इसका बहुत ज्यादा यूज है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसको रट लीजिएगा, और ये मैथ की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। जैसे देखो कैसे आया, अगर बात करोगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप देखो क्या किए, ज्यादा कुछ हम किए नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये था, ए को ए से गुना किए, फिर ए को बी से गुना किए, फिर बी को ए से गुना किए, फिर बी को बी से गुना किए, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये समेशन का फॉर्मूला हो गया। नहीं, उसी तरह से अगर मान लिया है दोनों के, अगर ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर निकालो तो कैसे निकालोगे, ए माइनस बी और ए माइनस बी गुना कर दो, तो गुना करोगे तो ए को ए से गुना करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हो फॉर्मूला। और यही चीज अगर से कह दे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी, गुना करके चेक कर लो, तो ए से ए को गुना करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात समझ में आया। तो ये सब फॉर्मूला है सर, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसको तो रटना पड़ेगा, बचपन से आप लोग रटते आ रहे हो, रट लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं। आज जो है हम लोगों ने महत्वपूर्ण पॉइंट, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर का मतलब सारे पॉइंट्स को रटना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है, पॉइंट्स समझना जरूरी है। तो पॉइंट्स तो मैंने समझा दिया, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद करने वाला है, जैसे एक से पच्चीस तक में कह गो आभास संख्या है नौ गो, एक से पचास तक में पंद्रह गो, एक से पचहत्तर तक में कह गो इक्कीस गो, एक से लेकर सौ तक में कह गो पच्चीस गो, ये रटना है कि कह गो आभास संख्या है, ठीक है,
फॉर्मूला रटना है, तो ये करना पड़ेगा भाई, और करोगे तभी रिजल्ट आएगा। और हम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप टू द पॉइंट कॉपी लेके बैठो, इसको धीरे धीरे करके नोट करो और रिजल्ट तो हम दिलाएंगे। तो नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास खत्म हुआ, जिसमें हम लोग पॉइंट्स की चर्चा कर चुके। थर्ड क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम आज आपको पहले भी ही बता देते हैं कि अगला जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें नंबर बेस्ड ऑप्शन बेस्ड आएगा, जो कि डिफरेंट पैटर्न का है और जो एग्जाम में हूबहू आता है। तो अगला क्लास का आप लोग वेट करना होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। तो आज के लिए काफी है, थैंक यू वेरी मच। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं में है, करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं में है, और जो आपके लिए ये सारे चीज को प्रोवाइड कर रही है। और आप खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए और रिजल्ट को प्राप्त कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, पढ़िए, रिजल्ट आपको करतार कोचिंग जरूर दिलाएगा। करतार कोचिंग की तरफ से और मैं आशुतोष कुमार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी लेके आऊंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।